भाई लेने हैं, माँ बाप की जवाब की बात ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद कमरे में लेके एक ही बात बोलते हैं, हम एचआरडीसी के मुलाजिम हैं, बंदी फाड़ेंगे, तुम लोगों को मारेंगे, हम एक हैं। कमरे में बंद करके बोला हम अपनी वर्दी खुद फाड़ सकते हैं, आपको प्रतिरोध कर सकते हैं, हम चाहते हैं, बोले हम सब एक हैं। सर मैं मेरे को इतना मारा कि मैं अंदर पानी मांग रहा था, इन्होंने खुद ही चढ़ाई। सर क्या मेरा मर्डर करना था? सर आप अगर हम दो परिचालक के बीच झगड़ा हुआ, उनको मेरे बाबू से बात करनी चाहिए थी, चलो मैंने वर्तनी की थी, या उनके प्रचारक ने की थी, तो बैठ के भी तो बात होगी। सर ये कौन सा, ये तो गुंडागर्दी होगी सर। अब एचआरटीसी सर वो है, मानते हैं हम सरकारी, कोई बात नहीं, हम का सर हमने कहाँ जाना, एक ही गाड़ी सर तीन तीन टाइम लेके जा रही है, हमने गाड़ी सरकारी टाइम टेबल का तो है ना सर, नहीं वो नहीं है उनकी, इसकी जो गाड़ी जाती है एक रूट पे वो चलती है एच आर टी सी 12:15 बजे और इनकी जाती है 1:10 पे, 12:15 बजे कहाँ के लिए निकलती है? हिमगिरी के लिए, आपकी 1:15 बजे हिमगिरी के लिए। तो जो बीच में गाड़ी चलती है 12:55 पे लंगेरा, उसमें सवारियां लेके जा रहे हैं, हिमगिरी की सवारी लेके जा रहे हैं, हिमगिरी की सवारी यहाँ से, सर यहाँ से गाड़ी एक जाएगी नहीं, उसको 10 मिनट ही छोड़ रहे थे और वाजिया लगा रहे थे जबकि उनका टाइम ही नहीं था। गलत वो थे जो उन्होंने मेरे को बोला सर, वो तो देखो ना, बोलते भाई हम एच आर सी कनेक्ट हो रहे हैं, हम खुद वर्दी फाड़ेंगे, आपके ऊपर केस करेंगे। आगे तो आज सुबह भी दोनों पार्टी ने कहा ये हुआ, लेकिन जो आगे का केस डिपेंड करता है वो जांच के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है कि सीसीटीवी कैमरे में जैसे ये दिख रहा है कि मैंने भी देखा, ये हरी जैकेट में थे आप? हाँ जी। इस बच्चे को मतलब बीच में पकड़ा हुआ था, मैंने भी देखी वो वाली वीडियो ना, बीच में है और इसको घसीटते तो हुए लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके काफी दूर तक लेके टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है। अब मैं कपड़े फाड़ के कहूंगा कि मेरे से वो भी, ये वो जमाने नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सीसीटीवी से सब कुछ दिखता है। बिल्कुल आपके साथ जो हुआ सीसीटीवी में कैप्चर है, कोई कोई एविडेंस कोई बोलने से थोड़ी ना होते हैं। बिल्कुल सर सारा बोल आपके साथ जो हुआ, जैसे अब मैं मेरे को आने से पहले पता है ना कि आपके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं वीडियो देख के आया, तो कोई भी कुछ भी कहता रहेगा, लेकिन अगर कोर्ट में वो पेश होती है कि ये है, तो वो एक बेसिक एविडेंस है। आपको लोगों ने घेर के लेके गए, ये एविडेंस है, उनके ऊपर कैसे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई आदमी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये वाली बात बहुत जरूरी है। हमारे ड्राइवर कनेक्टरों ने जो है अपनी सारी बसें चलाने से इनकार कर दिया है। पिछले कल एक परिचालक के साथ जो मारपीट करी एचआरटीसी द्वारा की गई है, उसके खिलाफ इन लोगों ने जो है आज कार्रवाई करने के लिए जो है एक मीटिंग बुलाई थी अपनी, तो प्रशासन द्वारा अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई कि क्या बना है इसका, जो है FIR लॉज की गई है, क्रॉस की गई है, जबकि कल जो वीडियो एक वायरल हुआ था उसमें भी दिखाई देता, साफ दिखाई देता है कि एचआरटीसी के मुलाजमों ने उसको उठा के बस स्टैंड से अंदर ले गए, बस अड्डा के इंचार्ज के रूम में, और उसके साथ भारी मारपीट की। और आज भी एक लड़के को उसने, इन्होंने बोला कि कल जैसा हाल उसका किया है तो वैसा ही तेरा करेंगे, तो ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। अगर पुलिस और प्रशासन द्वारा
उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो इन लोगों ने हमारी गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई करें, जो भी है एक तरफा एफआई लॉज हो, जैसे कि परिचालक को मार जिन्होंने भारी मारपीट करी है तो उन जो जिन्होंने मारा है उनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाए।